गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, कहिए जनाब, क्या हालचाल है? फिट है, एनर्जेटिक, क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को, राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा, मैं और हमारी टीम क्या कहेंगे जी? वेलकम 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 जी, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और खेलता हुआ गुजरेगा। खेलता हुआ इसलिए गुजरेगा कि हम सब पिछले 3-4 दिन से खेल के मैदान में हैं। एशिया कप क्रिकेट का शुरू हो चुका है और पाकिस्तान ने नेपाल को ऐसा जैसे बस लुत्फ ही आ गया। लेकिन एक वक्त आया था, मैं कह रहा था यार बस रहने दो, बस थोड़ा सा हाथ हौला रखो, है ना, जीत तो रहे। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई कि हमने अपना रन रेट इतना ऊपर ले जाना है कि आगे जाके कहीं इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से मैच पड़े हमारा रन रेट के ऊपर, तो हम जीत सकें। तो वो बहुत अच्छा, हमने एक हेड स्टार्ट ले लिया पहले ही मैच में। और हर कोई इस वक्त एशिया कप की बात कर रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि राइजिंग पाकिस्तान में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट्स की बात ना हो। तो आज से हम आपके लिए एक नया सेगमेंट लेके आ रहे हैं जो आने वाले एक महीने में एशिया कप में और उसके बाद वर्ल्ड कप में जारी रहेगा। और अक्टूबर में वर्ल्ड कप आ रहा है जो नवंबर तक जारी रहेगा। तो क्रिकेट 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 होने वाली है और हो सकता है एक सरप्राइज भी हम आपको दें। और सरप्राइज ये होगा कि जब वर्ल्ड कप आएगा तो शायद हमारा सेट भी चेंज हो जाए। तो ये सब है आज की कहानी, यानी कि आज हमने खेलनी है क्रिकेट। स्टूडियो के अंदर हामिद हशमत के साथ, जो कि हमारे क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे आज राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली और टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। तो सब लोग तैयार हो जाएं जो कल के श्रीलंका बांग्लादेश के मैच के बारे में जानना चाहते हैं, पाकिस्तान नेपाल के मैच के बारे में जानना चाहते हैं, और आने वाली कल यानी सैटरडे को पाकिस्तान इंडिया के मैच की प्रेडिक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नया सेगमेंट, क्रिकेट क्रिकेट खेलेंगे हामिद हशमत के साथ। बिल्कुल जी, उसके अलावा अगर हम कहें कि आज के राइजिंग पाकिस्तान में क्या है, तो आज हमें ज्वाइन करेंगी मीना तारिक, जो कि एक बिजनेस एडवाइज़र है और अक्सर आती हैं राइजिंग पाकिस्तान में। और जैसे ही वो आती हैं आप सब लोग एक्टिव हो जाते हैं, हम सब की जो उम्मीदें हैं अपने बिजनेसेस को लेकर, या जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं, या किस तरह हमने बिज़नेस को ग्रो करना है, क्या क्या मसाइल है, ये सारी चीज़ें हल करने के लिए आ रही हैं मीना। लेकिन वो आप लोगों को करना क्या है कि व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप अपने मैसेजेस अपने नाम और शहर के नाम के साथ ज़रूर हमें भेजें। आपके जो जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मीना आज आपका हल निकाल के, आपके मसले का हल निकाल के जाएगी। 03088936949 हमारा नंबर है। मीना तारिक के लिए सवाल अभी से भेजना शुरू कर दें अपने नाम और जगह के नाम के साथ, जैसे कि फातिमा ने आपको बताया, ताकि आमना और उनकी टीम जो है बर वक्त आपके मैसेजेस को स्ट्रीमलाइन करके हम तक पहुंचा सकें। इसके अलावा तालीमाबाद का सिलसिला है और तालीमाबाद हम देखेंगे, तौसीक अंकल की मिलियन डॉलर एडवाइस भी होगी और सोशल मीडिया के मैसेजेस तो होंगे। तो ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान जो हम आपके लिए सजा के लाए हैं, यानी कि क्रिकेट से लेके बिजनेस तक, खेलो भी और काम भी करो। हाँ, हम ये चाहते हैं खेलो भी और काम भी करो और पैसे भी कमाओ, है ना, बिल्कुल। अब ये नहीं पता कि पैसे क्रिकेट में कमाने हैं या पैसे बिजनेस में कमाने, ये इन दोनों से पूछेंगे आज। एग्जैक्टली तो जनाब चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे वापस और मैं और फातिमा राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को कैसे चलाएंगे। सबसे पहले ये बताएं भी, वो हमारा जो ओरिजिनल हॉर्न वाला है फादी, उसका हॉर्न ठीक हुआ कि नहीं हुआ? गुजारा है, कह रहा है जी गुजारा है। अच्छा चलो, कल तो आसिफ ने हॉर्न में थोड़ा सा थोड़ी मदद की थी, आज शहबाज करेगा। ऑल राइट जी, एंड 3 एंड 2 एंड 1। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान, वक्त है तौसीक अंकल की मिलियन डॉलर एडवाइस का। और आज की एडवाइस ऐसी है कि अगर आप इसको अपने पल्ले से बांध लें और ज़िंदगी का एक तर्ज बना लें तो यकीन जानिए आप बहुत सुकून की नींद सोया करेंगे। और आज की एडवाइस ये है कि अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को ओन करें, अपने चेहरे को, अपने खदोखाल को, अपनी शक्ल को, अपनी आँखों को, अपनी नाक, अपने दांत, ये रब ने बनाया है और बेहतरीन बनाया है, इसको ओन कीजिए। ये जो टेलीविजन पे आपको लोग नजर आते हैं ना, ड्रामों में या शोज के अंदर, या जो सेलिब्रिटीज होते हैं, ये जो पिक्चर परफेक्ट इमेज देते हैं, इनसे अपने आप का मवाजना बिल्कुल नहीं करना। ये सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए आते हैं। जी हाँ, हम सब
हम सिर्फ चाहते हैं, हम अच्छा इसलिए लग रहे होते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हो जाए, आपकी सुपहर अच्छी हो जाए। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपकी नाक, आपके दांत, आपकी आंखें, आपके बाल टेलीविज़न पे आने वाले लोगों की तरह हों, वरना तो ज़िंदगी दोस्तों बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि नाक आपकी कभी किसी से मिल रही होगी, अगली बार कोई और आ जाएगा, आप कहेंगे नहीं मेरे दांत इसकी तरह नहीं है, एंड देयर इज़ नो एंड। इस सफ़र का, इस इम्तिहान का कोई अंजाम नहीं है। इसलिए अपने आप को, हाँ ये ज़रूर है कि आपका जो चेहरा है, आपके जो बाल हैं, आपके जो हाथ हैं, आपको जो खदोखाल रब ने दिया है, उसको बेहतर से बेहतर प्रेजेंट करें अपने दोस्तों में, दफ्तर में, आगे पीछे जब अपनी सोशल लाइफ में आप उठें बैठें, तो आपके नाखून अच्छी तरह से साफ़ होने चाहिए, आपके दांत साफ़ होने चाहिए, आपके बाल बेहतर से बेहतर लगने चाहिए, आपकी स्किन ग्लो करनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ये एक अलहदा बात है। लेकिन किसी की तरह बनना, नो 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 नो, ऐसा नहीं करना, वरना आप रोज़ाना कच्ची पक्की नींद सोएंगे। हम चाहते हैं आप सुकून की नींद सोएं, और ये तभी मुमकिन है जब आप अपने आप को ऑन करें, यू आर ब्यूटिफुल। ये याद रखें, ज़िंदगी भी खूबसूरत है और आप भी खूबसूरत हैं।